गाइस वेलकम टू मैप एडुकेशन, दिस इज एमडू मिनिम। एंड गाइस इस वीडियो में लोग बात करने वाले पांच ऐसे इंडियन रेलवे के जॉब्स के बारे में जो कि हाईएस्ट सैलरी पे करती है। हर एक जो कंपटीशन का तैयारी करता है कहीं ना कहीं उसका एक सपना जरूर होता है इंडियन रेलवे में जॉब पाने का। तो गाइस अगर आपका भी सपना इंडियन रेलवे में करियर बनाने का है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी इंडियन रेलवे के जॉब्स है जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज पे करती है। उससे पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेस पे कॉलेज रिव्यूज, वैकेंसी रिलेटेड जानकारी एंड एग्जाम डेट से रिलेटेड जानकारी एंड एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए गाइस आपका बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहला जॉब्स है स्टेशन मास्टर का। स्टेशन मास्टर का काम होता है स्टेशन का मैनेजमेंट को देखभाल करना, स्टेशन का मैनेजमेंट को संभालना। एंड गाइस अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 33 वर्ष होना चाहिए कैंडिडेट्स का। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से एंड कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो 35,000 प्लस से स्टार्ट होती है। एंड गाइस जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उस हिसाब से आपका पैकेज भी बढ़ता है, आपका सैलरी भी बढ़ता है। एंड दूसरा जॉब है असिस्टेंट लोको पायलट की। एंड गाइस अगर आप इंडियन रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं तो गाइस सबसे पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रमोशन होके लोको पायलट में होता है। इसकी अगर एज लिमिट की बात करें तो इसका एज लिमिट 18 से 28 वर्ष का होना चाहिए। एंड गाइस इसका भी जो सैलरी पैकेज है वो 30,000 प्लस से स्टार्ट होता है। एंड जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती है, आप असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बनते हैं तो आपका जो है सैलरी भी बढ़ती है, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे भत्ता भी मिलता है। एंड तीसरा जॉब है टिकट कलेक्टर का। हम सब लोग कभी ना कभी रेलवे में सफर कर चुके हैं तो हमारे सफर के दौरान कोई एक व्यक्ति आता है और वो टिकट चेक करता है, हमसे टिकट मांगता है, तो गाइस उसे टिकट कलेक्टर कहते हैं। एंड अब हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसका एज लिमिट 18 से 30 वर्ष का होना चाहिए। एंड अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। एंड अगर आप डिप्लोमा या डीई करते हैं तो भी आप इस जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज 35,000 प्लस से स्टार्ट होती है, इसके साथ साथ बहुत सारे भत्ता मिलता है एंड आपका जैसे जैसे प्रमोशन होगा उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। एंड गाइस अब हम लोग चौथी जॉब्स के बारे में बात करते हैं। चौथा जॉब है रेलवे क्लर्क। क्वालिफिकेशन 12th पास एंड ग्रेजुएट होना चाहिए। एंड गाइस इसका जो सैलरी पैकेज स्टार्ट होता है वो 25,000 से 30,000 के बीच में स्टार्ट होता है। एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ेगी एंड साथ में आपको बहुत सारे भत्ता मिलेगा जिससे आपका सैलरी इंक्रीज होती है। एंड गाइस अब पांचवा एंड आखिरी जॉब्स के बारे में बात करेंगे। ये जॉब्स है गुड्स गार्ड का। आप अगर ट्रेन में सफर किए हैं या स्टेशन में कभी गए होंगे तो मालगाड़ी के पीछे जो एक गार्ड होती है, एंड गाइस ये जिसमें लोग भी सफर करते हैं उसमें भी गार्ड्स होती है, तो जो गार्ड्स का जॉब होता है इसको गुड्स गार्ड बोलते हैं। एंड अगर हम इस जॉब की क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 वर्ष होना चाहिए एंड ग्रेजुएट होना चाहिए एंड प्लस गाइस शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए कैंडिडेट। आप अप्लाई करते हैं गाइस तो आप अपना एज 18 से 33 वर्ष देखिएगा एंड ग्रेजुएशन प्लस शारीरिक एंड मानसिक रूप से स्वास्थ्य है तो ही आप इस जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी पैकेज है 29,200 रुपये। एक्सपीरियंस के साथ साथ इसका भी आपका सैलरी पैकेज बढ़ेगी एंड जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा उसके साथ आपका सैलरी बढ़ेगा। एंड गाइस इसके साथ साथ कई सारे भत्ते भी मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।